हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ श्री राम का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जय श्री राम, खमा गणी, राम राम। मैं ट्विंकल वैष्णव ले नई हूँ कॉमेडी शो भाग 17, जिन महीने आप स्वागत है। एक तोतो और उन्होंने मालिक हविजा से महीने सफर कर रहा था। एयर होस्टर उन्हें खनु निकली हन तोतो सीटी बजी हन एयर होस्टर मुड़ी हन उन्हें में मुस्कुराई और देख मालिक भी सीटी बजा दी तो एयर होस्टर उन्हें शिकायत कर दी तो एरोप्लेन में मैंने घोषणा हुई कि दोनों को नीचे फेंक दिया जाए। नीचे फेंकने लगा तो मालिक को बोलियो उड़नी आ रहा है तो मालिक कहे नहीं तो पाछो बोले तो मुझे तारी मां ने रोन वास्ते सीटी बजे तो शिक्षा इनू आ शिक्षा मिले की होड़ा होट गोडा नहीं फोड़ना। पप्पू री मार साबू लड़ाई हो जावे हन पप्पू रो खून गरम हो जावे वो कब्रिस्तान जावे हन मार साहब री फोटो टांगन वटे लिख देवे कमिंग सून। एक मार साहब कहे कि 1869 में काई होयो तो सोनियो कहे कि गांधी जी रो जन्म हन मार साहब कहे कि बिल्कुल सही नीचे बैठ जाओ हन पछ मार साहब काले ने कहे कि 1872 में काई होयो तो काले कहे कि गांधी जी 3 साल हो गया मैं भी नीचे बैठ जाऊंगी। मार साहब कहे साले बाद में एक सोच से पता चला है कि पुरुषों को रात में दिल का दौरा इसलिए पड़ता है कि क्योंकि औरतें मेकअप उतार के सोती है। इतिहास टीचर एक मारवाड़ी छोरे ने पूछियो बताओ अकबर का जन्म कब हुआ। पता है छोरे ने कहा जवाब दियो और उसका जवाब सुनते ही टीचर बेहोश हो गई। मारवाड़ी छोरा बोलियो मैं स्कूल में पढ़ू ने आऊ जापो खराब तो थोड़ी फिर बेटो बोले पिताजी मैं लव मैरिज करूंगा नहीं तो मैं कुआ बावड़ी में डूबन मर जाऊं। हन पिताजी जमाना देख डर जावे हन यू लागो जाने को जीवता ही मर गया। हन पिताजी बेटा ने समझावता बोलिया बेटा लव मैरिज मैंने कही पड़ियो है ब्यावारी मोज तू ले नहीं सके शादी का कार्ड तू बांट नहीं सके ननरार मायड़ो तू भरवा नहीं सके मेहमान वारो स्वागत तू कर नहीं सके और बेटा जो लड़की आपरे माँ बाप रा इज्जत रा कोंकरा कर सके वह लड़की कदी धर माता में जूता भी धर सके। इन वास्ते बेटा एक ही कायदो है कि समाज लड़की लावने में फायदो है। गौर फरमाइएगा अर्ज किया है खिड़की खुली जुल्फे गिरी सामने हुस्न का दीदार था खिड़की खुली जुल्फे गिरी सामने हुस्न का दीदार था वाह 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 फिर क्या जुल्फे हटी किस्मत फूटी सामने नया हुआ सरदार था। देखो सा एक सवाल है कि लड़की क्या है। लड़की वह है जो किसी शादी में जाने से पहले फेस वॉश फेस स्टिक कंसलर्स और आई शेडोज मस्करा लिपस्टिक लिप ग्लॉस लिप पेंसिल आईलाइनर और फेस क्रीम फेस पाउडर और काजल नेल पॉलिश बॉडी स्प्रे परफ्यूम और साथ में हील और एक अच्छा सा ड्रेस पहनने के बाद अपनी फ्रेंड को बोलेगी यार जल्दबाजी में मैंने कुछ किया ही नहीं और छोरा देखो लड़के क्या है। उत्तर ये वो है जो शादी में जाने से पहले अपने दोस्त को फोन करके पूछते हैं यार नावड़ो है कि कोनी और दूसरे दोस्त कहे क्यों था बाप रो ब्याह है मुड़ो धोनी आवरो। एक बार रमेश ये तालाब रे मैंने पड़ गयो हन डूबते डूबते रात रे मैंने मछली आएगी रमेश ये उन्हें पकड़ ने बाहर फेंक दी और बोलियो कम कम तू तो अपनी जान बचा ले। एक मारवाड़ी रो कंप्यूटर खराब हो गयो और उन्हें लुगाई मारवाड़ी आदमी ने फोन करियो हन कहो कि कंप्यूटर कोनी चल रही है तो मारवाड़ी बोलियो कि माई कंप्यूटर मैंने राइट क्लिक कर तो लुगाई कहे हाँ किदो तो मारवाड़ी बोले फोल्डर खुलियो लुगाई बोले हाँ खुलियो तो मारवाड़ी कहे अब ऊपर देख कई दिख रही है तो लुगाई पाची बोली के ऊपर तो पंखो है मारवाड़ी पाचो कह लटक जाओ माते मिनी हीर के मुंडेरी तेने पंखो दिखे ऊंचो तेने कंप्यूटर मैंने ऊंचो देखने की बात कहूँ मैं। रोज रोज लुगाई तंग आन आदमी अपना सामान बांध तो वो बोलियो अबे तो मैं थारा हाथ एक पल भी कोनी रहूं मैं तो मैं जा रही हूँ और वो रेलवे स्टेशन पूक जावे जो रेल में चढ़ने लगे ना आकाशवाणी होवे इसमें मत चढ़ ये पटरी से उतर जाएगी और वो दौड़े दौड़े एयरपोर्ट पुगे और जो वो प्लेन में चढ़ने लगे ना आकाशवाणी होवे इनमें मत चढ़ ये क्रैश हो जाएगी हम बेचारो धनी दौड़े दौड़े बस चढ़ जावे और बस में चढ़ने लगे जितने आकाशवाणी और बोले इनमें मत चढ़ आ खाई में गिर जाए जितने उन्हें गुस्सा आवे और बोले कौन है ऊपर कौन बोल रहे हैं पाछी आवाज आवे मैं भगवान हूँ तो आदमी रो तो वो बोले हे प्रभु जब मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था तो तब क्या आपका गला बैठा हुआ था क्या। मच्छर बच्चों पहली बार उड़ियो पाछा आयो और उन बाप पूछियो केड़ो लागियो उड़न हन माचो मच्छर बच्चो बोलियो घणो छोको लागियो जटे गया बट लोग ताले बजा रहा था। एक बार रमेशियो अपने लुगे रहते कटे जा रहे तो हन रास्ते में ने सोनियो मिल गयो जिन्हें पुलिस पकड़ ले जा रही थी हन रमेशियो पूछे सोनिया ने कही सोनिया तन पुलिस क्यों पकड़ ले जा रही है सोनियो कहे कि मैं मारी बहू ने मार दी इन वास्ते तो रमेश कहे कि तो पता नहीं कितनी सजा मिली
તો સોને પાસે કહેવે કે છે હપ્તા હન રમેશી ઓ સોને ની વાત પૂરી કુણી હોણી હન બિચરી મેને વાત કાર તો હોય આવ દેખ્યો ને તાવ પોલીસ વાળા ખરું બંદૂક ખોસ આપણે લુગે ને ગોળી માર દી હન તો પછી રમેશી પોલીસ વાળાને બોલ્યો ચલો ભાભી ચલતા હું છે હપ્તા ની તો વાત હે હન પાછો સોનિયો બોલ્યો અરે પૂરી વાત તો હું લે તો મારી કે મેં તો કહે તો છે હપ્તા બાદ મને ફાંસી હોન વાળી હે गांधी जी अपने पिता के चौथी पत्नी के बेटे थे बाबा साहेब अपने पिता के 14वीं संतान थे रविंद्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे सुभाष चंद्र बोस भी 9वीं संतान थे विवेकानंद जी भी 6ठे नंबर पे थे कमबख्त हम दो और हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होने ही बंद हो गए संतारी तपस्या हो भगवान खुश होन बोलिया वर मांगो वत्स भगवान बोलियो संता भगवान बोलियो कि भगवान आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ मुझे वधु चाहिए वर नहीं हर छोरे री मारो सपनो होवे कि उन्हीं छोरे वास्ते बढ़िया छोरो मिले पर मैं ठहरियो एक भलो एकलो आदमी किने किने मारा सपना पूरा करूँ